हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हेशेरी रसोई। आज मैं आपके साथ थोड़ी नई और यूनिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रुमाली रोटी खाना सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन इसे घर में बनाना, बेलना और सेकना सभी टफ पड़ जाता है, इसलिए रुमाली रोटी हम नॉर्मली नहीं बना पाते। लेकिन उतने ही अच्छे टेस्ट वाली हम दुपल्ली रोटी बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं, क्योंकि इसका बेलना और सेकना काफी इजी होता है, पर टेस्ट बिल्कुल रुमाली रोटी की तरह ही होता है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। रुमाली रोटी जैसी दुपल्ली रोटी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा, और ये नॉर्मल गेहूं का आटा है जो हम घर में यूज करते हैं, ना ज्यादा मोटा है और ना ज्यादा बारीक। और साथ ही हम यूज करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, और आटे में डालने के लिए हमें जरूरत होगी टेस्ट के हिसाब से नमक की। चलिए अब पहले हम इसका एक डो लगा लेते हैं। आटे में हम ये नमक डाल देंगे, 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और एकदम अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद में हम नॉर्मल पानी के साथ इसका एक सॉफ्ट डो लगा के तैयार करेंगे, जैसे कि हम नॉर्मल फुलकों के लिए लगाते हैं। और ये डो हमारा लगकर तैयार हो गया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट होने रख देंगे, जिससे आटा अच्छे से फूल कर तैयार हो जाएगा। और 10 मिनट हो चुके हैं, आटा भी पहले से थोड़ा चिकना हो गया है। और अब हम अच्छे से आटे को मसल कर और अच्छा चिकना कर लेंगे। और मैंने आटे को मसल कर एकदम अच्छा चिकना कर लिया। और अब हमने ये जो डो लगा कर तैयार किया था, इसमें से जितना हम नॉर्मल एक फुल्का बनाते हैं उतने बड़े बड़े पेड़े तोड़ लेंगे और सूखे आटे में लपेट देंगे, बस इतना ही। और उसके हम इस तरीके से 2.5-3 इंच व्यास में हम दोनों ये रोटियां बेलकर तैयार कर लेंगे। मैंने सेम साइज की ये दो रोटियां बेलकर तैयार कर ली हैं। और हमने ये जो ऑयल लिया था, ये हल्का सा हम एक रोटी पर लगा देंगे, थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देंगे और बस इस पर हम दूसरी रोटी रख देंगे। हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे और दोनों रोटियों को हम एकदम बड़ा और पतला बेल लेंगे। जितना पतला आप बेल सकते हो आप उसे उतना ही पतला बेल लें। थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देंगे दोनों तरफ से, जिससे रोटी बेलने में आसानी रहे। और बस हम इसे अच्छा बड़ा बेल लेंगे। नॉर्मली रोटी हम 7 से 8 इंच के व्यास में बेलते हैं, और आप देख सकते हैं कि मैंने इसे काफी बड़ा और एकदम पतला बेल कर तैयार कर लिया है। अब गैस ऑन करेंगे और उस पर एक तवा रख देंगे और तवे को अच्छे से गर्म होने देंगे। और जैसे ही तवा अच्छे से गर्म होता है, हमने ये जो रोटी बेल कर तैयार करी थी हम तवे के ऊपर रख देंगे। और ये रोटी काफी पतली है, इसलिए ये बहुत जल्दी सिक जाएगी। जैसे ही रोटी हल्की सी सिकती है हम उसे पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी सिकने देंगे। और 10-15 सेकंड में ही हमारी रोटी दूसरी तरफ से भी हल्की सी सिक गई है। और बस इस रोटी को हम तवे पे से उतार लेंगे। और ये जो रोटी हमने चिपका कर तैयार करी थी, इसे हम अलग कर लेंगे। और हमने इसमें चिकनाई लगा दी थी, साथ ही आटा भी लगाया था, इसलिए ये बहुत आसानी से अलग हो जाएगी। और अब जैसे हम नॉर्मल फुलका सेकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम इसे डायरेक्ट गैस पर सेकेंगे। और ये रोटी इतनी पतली है कि ये तुरंत ही सिक जाएगी। और देखिए ये दोनों तरफ से हल्की सी सिक गई है। और बस अब इसी तरीके से हमने जो एक और रोटी इस पे से अलग करके तैयार करी थी उसे भी सेक लेंगे। इस रोटी का टेस्ट काफी कुछ रुमाली रोटी की तरह आता है, लेकिन इसे बनाना बहुत ज्यादा आसान है। बस उलट पलट कर कुछ सेकंड तक हम इसे सेकेंगे। और बस जिस समय रोटियां सॉफ्ट हों उसी समय आप इसमें
हल्का सा घी लगा दें। अगर आप घी नहीं खाना चाहते तो आप अवॉइड कर सकते हैं। और इसको इस तरीके से फोल्ड करके हल्का सा घी का ब्रश हम ऊपर भी लगा देंगे, जिससे रोटी खाने में और ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएगी। ये हमारी रुमाली रोटी जैसी टेस्टी दुपल्ली रोटियां बनकर तैयार हैं। ये किसी भी हैवी सब्जी के साथ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आप इन्हें खुला नहीं छोड़ सकते। या तो आप इन्हें हाथ के हाथ सर्व कीजिए, वरना आप इसे कपड़े में लपेट कर रखिए, वरना रोटियां हार्ड हो जाती हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतली होती हैं। और दुपल्ली रोटी की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें। और बहुत ही मुलायम हमारी दुपल्ली रोटी बनकर तैयार है, लेकिन बनाने के बाद आप इसे खुला ना छोड़ें, वरना पतली होने की वजह से ये हार्ड हो जाती है। और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। Thank you.